हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज टॉपिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहां से आती है कैसे आती है तो मैंने आपको शॉर्ट में एक बार बताया था पहले है ना कि पहले आपसे मैंने डेफिनेशन पूछी थी तो आप लोगों ने बताया था पोटेंशियलर्जी क्या होती है ड्यू टू पोजिशन है ना किसी की पोजिशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अभी हम लोग जो आज वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली है ना ये लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको पहले बता दूं ठीक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं है ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको हम लोग थोड़ा आगे चल के देखेंगे ठीक है इसी लेक्चर में देखेंगे आगे ठीक है तो आपने बताया था पोटेंशियल जी क्या होती है कि ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या अप एंड डाउन उसको शिफ्ट स्थ करूँगा है ना तो उसकी पोटेंशियल जी में क्या होता है चेंज आता है और वो चेंज क्यों आता है आप ये बताइए आप समझते हैं भाई कि चेंज क्यों आता है ठीक है देखिए मैंने यहां पे थ्री केसेस लिए हुए हैं एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है दिस दिस ऑन फ्रिक्शन लेस सर्फेस प्लेज ऑन ए फ्रिक्शन लेस सर्फेस एंड यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड फ्रिक्शन इज प्रजेंट और यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे ठीक है ये तीन केसेस हो गए हमारे वन टू थ्री ठीक है अब जो मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉइंट ये है कि मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज इस लाइन को नोट करिए आप है ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं आप पुराना वीडियो जाके देखेगा तो कन्जरवेटिव फोर्सेज वो होते हैं कि जहाँ पे एक अगर आप एक राउंड लूप में घूम के आते हैं तो नेट वर्क डन इज जीरो या फिर कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है ना कि आप ऐसे ले जा रहे हैं पार्टिकल को कि ऐसे ले जा रहे हैं इन ऑल केसेस यू विल फाइंड सेम वर्क ठीक है और कंजर्वेटिव इसलिए बोलते थे क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को दे कैन स्टोर ठीक है और नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते हैं तो देखिए भाई अब एक बॉडी है मैं इसको कंजर्वेटिव फोर्स में चलाऊंगा और मैं इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में चलाऊंगा दोनों में देखते हैं क्या होता है ठीक है आपको पता है स्प्रिंग फोर्स इज ठीक है तो मैं इसको यहां पे खड़ा होकर धक्का मारूंगा इधर और मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर दूंगा ठीक है स्प्रिंग फोर्स इज ठीक है और इस ब्लॉक को भी मैं धक्का मारूंगा यहां पे, थोड़ा आगे ले गया मैं फ्रिक्शन पे ठीक है और एक ब्लॉक को मैं ग्राउंड से उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ एच हाइट तक ठीक है इन तीनों केसेस में डिफरेंस पता क्या होगा डिफरेंस ये होगा कि जो मैंने यहां पे वर्क किया है इसको पुश करने में है ना धक्का मारने में अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग का फोर्स है ठीक है तो वो वर्क क्या हुआ है वो वर्क जाके इसमें स्टोर हो गया है ठीक है धक्का मारा मैंने स्प्रिंग ने वर्क को स्टोर कर लिया अगर मैं हाथ को हटाऊंगा ऐसे ठीक है तो ब्लॉक बहुत तेजी से भागता हुआ दिखेगा मुझे इसका मतलब इसके अंदर कोई एनर्जी थी जो कान्टिक में कन्वर्ट हो गई ठीक है इसमें क्या होगा अगर मैं इसको यहां से धक्का मार के यहां ले जाऊंगा ठीक है तो मेरा जितना वर्क होगा वो सारा लॉस हो जाएगा अगेंस्ट फ्रिक्शन क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब आप वर्क करते हो है ना या फ्रिक्शन जब वर्क करता है तो वो एनर्जी को लॉस करता है ठीक है इसको धक्का मारेंगे तो एनर्जी लॉस हो गई हमारी तीसरा ग्रेविटी का केस है अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से यहां ले जाऊँगा ठीक है और अगर मैं इसको छोड़ूंगा दोबारा और ये यहाँ पे वापस आएगा तो हमको उतनी एनर्जी मिल जाएगी जितनी जितनी एनर्जी इसकी जितना मुझे वर्क करना पड़ा होगा इसको पल आने में ठीक है वो सारा वर्क इसमें स्टोर होगा जब ये बॉल जब ये ऑब्जेक्ट दोबारा नीचे यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इसमें एक वेलोसिटी होगी इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई स्टोर हो गई समझे आपने वर्क किया वो एनर्जी स्टोर हुई आपने हाथ हटाया यहाँ पर जब नीचे पहुँचेगा तो वो सारी की सारी एनर्जी किसमें मिलेगी आपको काइटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी ठीक है तो इन तीन एग्जाम्पल में क्या हुआ कि फ्रिक्शन में जब आप किसी बॉडी को चलाते हो है ना तो आपका जो वर्क डन होता है दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ठीक है तो ये एग्जाम्पल सिर्फ ये बता रहा है कि फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं वहां पे एनर्जी का हमेशा लॉस होता है स्प्रिंग फोर्सेज कंजर्वेटिव ठीक है तो स्प्रिंग के अगेंस्ट जब आप किसी बॉडी को चलाएंगे तो एनर्जी को स्टोर करेगा एंड सिमिलर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर यह भी एनर्जी को स्टोर करता है ठीक है तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल ये दे रहा था कि ये क्या करता है इट कैन स्टोर एनर्जी ठीक है अब आप ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई ठीक है देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से देखिए अब तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है है ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ठीक है आप एक्सटर्नल एजेंट हैं ठीक है तो जब भी कहीं पे पोटेंशियल में चेंज आएगा तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था ठीक है आप इसको धक्का मारेंगे ऐसे तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क जाके इसमें स्टोर हो जाएगा ठीक है या अगर आप ब्लॉक को ग्राउंड से ऊपर ले जाएंगे ठीक है तो आपको इसको उठाने में आपको फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा भाई अगर ब्लॉक है तो आपको इसका वेट नीचे होगा तो आपको फोर्स ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा ठीक है तो इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा वही वर्क जाकर उसमें स्टोर होगा ठीक है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये समझिए सबसे पहले आप दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब एक चीज और देखिए आप यहां पे दोनों एग्जाम्पल में देखते हैं ठीक है पहले इसको इसको पकड़ते हैं ठीक है मेरा फोर्स किधर है बताओ आप मेरा फोर्स राइट की तरफ है ठीक है और डिस्प्लेसमेंट किधर है डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ है तो मेरा वर्डन तो पॉजिटिव होगा ठीक है स्प्रिंग के वर्डन का क्या होगा बताओ आप मुझे अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जब हम पोटेंशियल में चेंज देखते हैं ना मान ली मैं एक बॉडी को लेफ्ट टू राइट ले जा रहा हूँ और मुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना पोटेंशियल का चेंज आया है तो मुझे पता है कि मेरा वर्क डन जो है वो किस में जाएगा वो पोटेंशियल में जाएगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा पता है मैं उसको बहुत स्लो 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 ले जाऊँगा क्यों स्लो ले जाऊँगा स्लो ले जाने का पर्पज़ ये है कि अगर आप बहुत इसको स्लोली मूव करेंगे है ना तो एक्सेलेशन इज अप्रोक्सीमेटली जीरो ठीक है अगर एक्सेलेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा तो इसमें वेलोसिटी में नो no इंक्रीज क्यों अगर एक्सेलेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो है तो वेलोसिटी में नो इंक्रीज क्लियर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो आई नहीं सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी नहीं आई ना तो जो आपका वर्क होगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा आपका सारा का सारा जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में ही जाएगा ठीक है तो जब भी हम लोग पोटेंशियल जी की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी हम पोटेंशियल जी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी स्लोली ठीक है वेरी स्लोली से हमारा कंसर्न यही है कि उसमें उसको इतना धीरे चलाना है इतना धीरे चलाना है कि देर शुड नॉट बी एनी चेंज इन कैनेटिक एनर्जी फिर क्या होगा अगर, हो अगर हो एनर्जी में चेंज नहीं है तो गारंटेड है कि मेरा सारा का सारा वर्क कहां गया है पोटेंशियल में गया है ठीक है हम लोग कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप इसको तेजी से भगा लो आपका वर्क डन दोनों जगह जाएगा कहां कहां जाएगा एक स्प्रिंग में भी स्टोर होगा जो इसको धक्का मारोगे आप इस पर वर्क करोगे तो स्प्रिंग में भी स्टोर होगा और साथ में सी काटिक में भी आएगा वहां से भी निकाल सकते हैं लेकिन फालतू काम क्यों चक्कर कर पा लें है ना इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको इतना स्लो चलाते हैं कि ये इंश्योर रखते हैं कि देर शुड नॉट बी एनी चेंज इन वेलोसिटी मतलब कांटिक एनर्जी नहीं आनी है और कांट एनर्जी नहीं आनी है तो गारंटेड है कि मेरा सारा वर्क कहां गया होगा मेरा सारा का सारा वर्क सिर्फ एक जगह गया होगा एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो मैं वही बोल रहा हूं कि मैं इसको बहुत धीरे धीरे चला रहा हूं तो बताओ मेरा वर्क डन क्या होगा मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं ठीक है तो मेरा वर्कडन क्या होगा मेरा वर्कडन होगा पॉजिटिव देख लो आप एफ इंटू डी इंटू कॉस जीरो दिस इज वर्कडन ठीक है जो भी है अभी मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं तो दिस इज माई वर्कडन ठीक है

इक्वल मार के चल रहा हूं कि मेरा फोर्स इसका फोर्स बराबर है तो अगर मैं आपसे पूछू कि वॉट इज वर्क डन बाई स्प्रिंग तो आप बोलोगे यार कि जो वर्क डन बाई स्प्रिंग आएगा ना वो आएगा एफ डी कॉस्ट वन एटी दैट इज माइनस ठीक है बात समझा दैट इज माइनस फिफ्टी ठीक है हालांकि इंटीग्रेट करके निकलेगा मैं सिर्फ डायरेक्शन कंसर्न हूं कि मेरा इधर का वर्क डन पॉजिटिव है ठीक है नॉट राइट एफ डी आर एक्चुअली दिस इज वेरिएबल लेट मी राइट फिर आपको एक कन्फ्यूजन होगा एफ डी एक्स कॉस जीरो मैं इसको थोड़ा डी एक्स ले गया हूं है ना क्योंकि एफ डी का मतलब फिर सेंस क्या आएगा एफ डी का मतलब हो गया कि फोर्स इज कॉन्स्टेंट एंड स्प्रिंग का जो वर्क डन आएगा दैट इज एफ डी एक्स कॉस वन एटी एंड दैट इज माइनस एफ डी एक्स यहां से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी बॉडी की पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा जितना वर्क आपका आएगा ना जैसे यहां पे आपका वर्डन आ गया एफ डी एक्स एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वर्क आएगा जो वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है जो तो दूसरा फोर्स है जिसके अगेंस्ट आप उसको चला रहे हैं किसके अगेंस्ट चला रहे हैं आप आप स्प्रिंग अगेंस्ट चला रहे हैं ठीक है थीके? तो भाई आपको वर्क इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि स्प्रिंग भी आपको पोज मार रहा है ठीक है तो इसको हम ऐसे भी कहेंगे एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया देखिए सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि जो वर्क डन होता है मतलब जो पोटेंशियल जी में चेंज होता है ठीक है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या उसको हम यह भी बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बस वो नहीं आपको अरे भाई जितना मेरा वर्क डन था मैं इधर धक्का मार रहा हूं तो जो मेरा वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है स्प्रिंग के बारे में सोचो ना स्प्रिंग का क्या हो रहा है मैं इधर धक्का मार रहा हूं तो स्प्रिंग का फोर्स तो इधर है ना स्प्रिंग का फोर्स ये रहा डिस्प्लेसमेंट ये रहा तो एंगल इज वन एटी है ना तो उसका जो वर्कडन होगा दैट इज निगेटिव ठीक है इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं बहुत इंपॉर्टें पॉइंट बताया मैंने आपको ठीक है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू योर वर्क डन आप जो उस बॉडी को घुमा फिरा रहे हो ठीक है या तो उसके बराबर होगा या फिर अगर आप उसको घुमा फिरा रहे हैं तो आप किसी के अगेंस्ट घुमा रहे हो ना तभी तो आपको वर्क करना पड़ रहा है अगर आपको कोई रजिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है तब तो, तो बॉडी ऐसा चली जाएगी समझे आप तो वहां पर कोई ना कोई आपको रोक रहा होगा इसलिए आपको वर्क करना पड़ रहा है और उसका वर्क डन निगेटिव आएगा चलो एक एग्जाम्पल से और देखते हैं इसी स्टेटमेंट को मैं आपको दोबारा एक एग्जाम्पल से और देखते हैं ठीक है तो फाइनली फॉर्मूला यह आया है कि वैसे पोटेंशियल जी को यू से लिखते हैं ठीक है पोटेंशियल जी को तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल आप जो आप वर्क करेंगे दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं उसका वर्क डन का निगेटिव कर दो आप ठीक है इस स्टेटमेंट को मैं एक पॉइंट और आपको समझा देता हूं जैसे ब्लॉक है ठीक है मैं इसको उठाकर यहां ले गया ठीक है वेट इज एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मैं इसको धीरे धीरे ले जा रहा हूं फिर वही स्टेटमेंट कि पोटेंशियल में अगर आपको चेंज देखना है तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लॉक शुड बी मूविंग वेरी स्लोली सो दैट देर इज नो चेंज इन काटिक एनर्जी तो हम कैटेगरी की बात हटा देंगे तो मेरा सारा बर्डन कहाँ जाएगा मेरा सारा बर्डन जाएगा पोटेंशियल में ठीक है इट्स वेट इज इन डाउनवर्ड एक्शन और मैं इस ब्लॉक को धीरे 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 उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा फोर्स ऊपर की तरफ होगा और मेरा फोर्स बिल्कुल एम के बराबर होगा क्योंकि मुझे इसको बहुत स्लो स्लो ले जाना है वेरी स्लोली ठीक है और मैं इसको एच हाइट लेके चला गया यहाँ तो फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे तो उसका चक्कर ही नहीं है इंटीग्रेशन का तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा इस बॉडी को एच हाइट रेस करने में मैं एक्सटर्नल एजेंट इज इनटू इन टू कॉस एफ एच ठीक है एंड व्हाट व्हाट इज एफ एफ इज एक्चुअली एम जी सो दिस इज माय वर्क डन एम जी एच और जो मुझे वर्क करना पड़ेगा यार वही उसकी क्या होगी दैट विल बी पोटेंशियल जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना मैंने उसको उठाया है ठीक है अब मैं ये स्टेटमेंट प्रूफ कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से ठीक है तो अब एक काम करते हैं अब देखते हैं व्हाट इज वर्कडन बाई ग्रेविटी चलो ग्रेविटी को देखते हैं ग्रेविटी की तरह बताइए आप अब ये तो मेरी कहानी तो खत्म हो गई भाई मैंने अपना वर्कडन निकाल दिया ठीक है नौ लुक एट ग्रेविटी वे इज ग्रेविटी ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड एक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड एक्शन ठीक है दिस एंगल इज 180. तो अगर मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करूँ ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स होता है है ना तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू कैन सी कि एम जी इन टू एच कॉस वन विच इज माइनस एन जी सो देख लो भाई ठीक है बात बहुत सिंपल सी यार सुन आप जिसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो बैलेंस करके ले जा रहे हो तो सीधी सी बात है आप किसी बॉडी को अगर बैलेंस करके धीरे धीरे ले जा रहे हैं तो आपका वर्डन पॉजिटिव होगा तो दूसरे का नेगेटिव होगा क्योंकि आपके फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो है तो आप जिसके अगेंस्ट ले जा रहे होगे उसके फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल वन होगा तो ये हमेशा कहानी चलती है ठीक है अब ये सब न्यूमेरिकल से पॉइंट यूज़ होंगे भाई तो ये आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है आपको पता था आप सोचिए आप इस बात को ढंग से सोचिए तो आपको सब बातें पता थी है ना मैंने जस्ट उनको एक बार सिस्टमेटिक वे में आपको बता दिया है ठीक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इज माइनस डब्ल्यू सी ठीक है डब्ल्यू सी चलो भाई अब हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी ठीक है अगर फोर्स अगर पोटेंशियल जी बहुत कम है तो वी कैन राइट डी यू इन प्लेस ऑफ डेल्टा यू एंड माइनस अब मुझे क्या पता यार मुझे क्या पता कि फोर्स कॉन्स्टेंट है कि वेरेबल है है ना चलो मैं मान लेता हूँ वेरेबल है तो जो वर्कडन होगा अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से ऐसे बना देता हूँ मैं ठीक है दिस इज एक्स इज्कल टू जीरो एंड दिस पॉइंट ए और मैं एक ऑब्जेक्ट को ए से बी ले गया डी डिस्टेंस से ठीक है थीके? तो जब मैं उसको ए से बी ले जाऊँगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ठीक है और कंजर्वेटिव फोर्स भी कुछ वर्क करेगा ठीक है तो डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू सी एंड फोर्ड इज डब्ल्यू सी डब्ल्यू सी इज एफ डी एक्स डब्ल्यू सी इज वर्कड माई कंजर्वेटिव फोर्स विच इज कंजर्वेटिव फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट माइनस एफ डी एक्स ठीक है तो यहां से आपको पता चलेगा इन टू कॉज जीरो ठीक है ये मैंने कंजर्वेटिव फोर्स मान लिया आगे की तरफ है ठीक है एंड दिस इज डीएक्स ठीक है तो यहां से आपको पता चलेगा कि du यू इज माइनस एफ डी एक्स तो एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स बहुत सारे न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन पे ठीक है सॉरी क्वेश्चन पे बोल रहा हूं मैं इस कॉन्सेप्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स पे तो ये जो तो स्टेटमेंट था डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू सी मैंने इसी को लिख दिया डेल्टा यू को मैंने लिख दिया डी यू और डब्ल्यू सी को मैंने क्या लिख दिया एफ डी एक्स जीरो से डी यूज माइनस एफ डी एक्स एफ इज माइनस डी डी एक्स कहां पर फॉर्मुला जो सब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे है ना या जहां पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फोर्सेस होती हैं जैसे आप सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे मॉलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, पढ़ोगे है ना तो वहां पे क्या होता है कोई फोर्स का बहुत वैसा नहीं होता है कोई फिक्स्ड लॉ टाइप का रूल नहीं होता है फोर्स डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करता है समझे आप तो वहां पे क्या होता है हम लोग फोर्स को एनर्जी के टर्म में पढ़ते हैं ठीक है मॉडर्न फिजिक्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स उनके बीच में जो फोर्स होता है उसे डेफिनेट लॉ को फॉलो नहीं करता है ठीक है तो वहां पर हम लोग जो फोर्सेज को एनालिसिस करते हैं वो एनर्जी के टर्म में पढ़ते हैं ये इजी रहता है हमारे लिए ठीक है तो आज आपने क्या सीखा है आज आपने देखा है कि अगर आपको किसी सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी पता है तो यू कैन फाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस रिलेशन एफ इज माइनस टी बाई डी एक्स कब यूज होगा ये कब यूज होगा वेन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवेन वेन पोटेंशियल इज गिवेन और हमें क्या फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड फोर्स ठीक है इसके मैं आपको दो एग्जाम्पल छोटे से दिखा देता हूं ठीक है जो बिल्कुल हमें पता है पहले से देखते हैं। चलो एक बात बताओ मैं इसी का एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं कि एक मैं ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के ऊपर ले गया एक्साइट ठीक है मैं इसको एक्साइट ले गया ऊपर वॉट इज पोटेंशियल एनर्जी क्यों भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एक्स एक्शन पॉजिटिव है दिस इज पॉजिटिव ठीक है एम जी एक्स अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट मारूं, मैं लिखूंगा एफ इज़ माइनस डी यू बाई डी एक्स ठीक है तो मुझे यहां से पता चलेगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एम जी एक्स ठीक है तो एफ इज़ माइनस एम जी देखो ये फोर्स ये फोर्स आ गया कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है और होना भी चाहिए माइनस एम क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है दिस इज माइनस एम नहीं अगर मैंने ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो दिस इज माइनस एम ठीक है समझे आप तो थोड़ा आप इसको सोचो आप कि जो डी होता है वो नेगेटिव ऑफ वक्डन कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो जब भी आप डी को डी से डिवाइड करेंगे यू विल ऑलवेज गेट फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है इस बात को एक और तरीके से समझ सकते हैं चलिए चलो एक बात बताओ मुझे दिस इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ठीक है मैंने इसको आगे एक्स खींच दिया यहां पे। मैंने इसको यहां खींच दिया एक्स ये ऐसे हो गया ऐसे 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 व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ठीक है मुझे फोर्स पता करना है तो मुझे पता है कि अगर मैं पोटेंशियल को डिफरेंशिएट मारूंगा माइनस डी यू बाई डी एक्स करूंगा तो मुझे फोर्स मिलेगा तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर ठीक है आप इसको डिफरेंशिएट मारेंगे यू विल गेट माइनस के एक्स तो आप सबको पता है कि स्प्रिंग अगर आप इसको एक्स आगे ले जाएंगे स्प्रिंग का फोर्स पीछे आएगा माइनस के एक्स ठीक है <coughs> तो कभी भी हम पोटेंशियल जी को डिफ्रेंशियट मारते हैं तो हमें क्या मिल जाता है और उसका निगेटिव लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है और एक बात आपको और पता है एक बात आपको यह पता है इसको नोट करते हैं कि अगर मैं DU by DX निकालूं तो क्या मिलेगा बताइए डी यू हमको क्या बताएगा बताओ तो? यार माइनस ड्यू बाई डीएक्स क्या बता रहा है माइनस डी बाई डीएक्स हमको बता रहा है फोर्स किसका फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स और आपको पता है कि जब भी हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो हमारा वर्क डन और कंजर्वेटिव का वर्क डन दोनों अपोजिट होते हैं इनके इनफैक्ट हमारा फोर्स और वो फोर्स भी क्या होंगे दोनों अपोजिट होंगे है ना तो अगर मैं डी यू बाई डी एक्स करूंगा ठीक है तो ये क्या देगा पता है ये मैं देगा फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट जी धाकडा जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है ठीक है तो बीड आप डी यू बाई करेंगे तो आपको फोर्स ऑफ आप एक्सटर्नल एक्सटेंशन मिलेगा ठीक है और जब भी आप माइनस डी यू बाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फोर्स ऑफ मतलब कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा आपको ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा आप ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है तो इसका बहुत यूज़ होता है भाई आगे चल के आप इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं कि जब भी आप पोटेंसि को डिफ्रेंशिएट मारोगे नेगेटिव साइन मारोगे आपको हमेशा फोर्स मिल जाएगा ठीक है चलिए अगले में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इक्लेबियम के बारे में कि नोट्स बनाइए इसको समझिए